वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर भी हुआ और अनलॉक, अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, इन पर रहेगा प्रतिबंध। राज्य शासन के मध्य प्रदेश अनलॉक के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने भी शहर के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी। शहर में भी तकरीबन राज्य शासन के ही दिशा निर्देशों का परिपालन कराया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार शहर में अब सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक खेल गतिविधियां भी अब शुरू हो सकेंगी, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। बाजार और शॉपिंग मॉल सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। वहीं शादियों में वर वधु पक्ष के 20-20 मेहमानों के अलावा 10 लोग बैंड बाजा पंडित आदि शामिल हो सकेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने से अभिभावकों को हो रही समस्याएं। नए सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे सभी विषयों की कक्षाएं लगाई जाने लगी हैं। शुरुआती दिनों में दिन में एक विषय की कक्षा लगाई जा रही थी, लेकिन अब 3-4 कक्षाएं रोज लगाई जा रही हैं। इसके कारण उन अभिभावकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिनके घर में 2 बच्चे हैं। एक ही समय पर दोनों बच्चों की अलग अलग कक्षाएं होती हैं। इस तरह से मोबाइल और लैपटॉप की समस्या पैदा हो रही है। मध्य प्रदेश में तिलहन फसल के बीज की किल्लत, 12,000 रुपए क्विंटल बिक रही सोयाबीन। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान खरीफ सीजन की बुवाई की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन किसानों को तिलहन फसल के बीज की कमी से परेशान होना पड़ रहा है। यही वजह है कि उन्हें बीज की खरीदारी के लिए पिछले साल की तुलना 2 गुना अधिक दाम चुकाना पड़ रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस बार राज्य में सोयाबीन की खेती का घाटे का सौदा है। ऐसे में किसान अन्य फसलों की खेती करें ताकि उन्हें खरीफ सीजन में आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। कृषि मंत्री पटेल का कहना है कि पिछले 3 खरीफ सीजन से प्रदेश में सोयाबीन की अच्छी पैदावार नहीं हुई। अब सुविधा के शुल्क में भी कंपनी करना चाह रही 60 से 70% तक इजाफा। प्रदेश में बिजली के दाम के बाद सुविधाओं के शुल्क भी बढ़ाने की तैयारी है। हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को नई बिजली कनेक्शन, लोड में वृद्धि, नाम परिवर्तन, कनेक्शन जुड़वाना सहित अन्य सर्विस का लाभ देने के लिए 60 से 70% अधिक शुल्क चुकाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र के व्यय और अन्य प्रभारों की वसूली विनियम 2009 में द्वितीय पुनरीक्षण करने जा रहा है। 1 जुलाई से खुलेंगे सभी स्कूल, जानिए बच्चों के लिए क्या है निर्देश। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हो चुका है। कोरोना के मामलों में कमी के बाद सभी राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ खोलने की कोशिश की जा रही है। बाजार खुल चुके हैं और जिम के साथ साथ मॉल को खोलने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। इस बीच स्कूल के खुलने को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से सभी स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि अभी बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल सभी शिक्षक और बाकी स्टाफ स्कूल पहुंचकर अपना काम करेंगे। मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग सत्र जुलाई से होगा शुरू। चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कक्षाएं जुलाई से शुरू करने के निर्देश दिए। सारंग ने कहा कि विद्यार्थियों का प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से टीकाकरण सुनिश्चित करें। सारंग ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तीनों ही विधाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पहले हफ्ते कोरोना प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए। लोन की लिमिट बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज पीएम मोदी से मिले। देश की राजधानी दिल्ली से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है। कोरोना कर्फ्यू के कारण राज्यों को रेवेन्यू लॉस काफी हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी, ये इस साल घट के 4.5% हुई। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के काम न रुके, इसलिए जरूरी है कि जीडीपी का 5.5% ऋण राज्य फिर से ले आए। धान मिलिंग का निकाला रास्ता, 50 से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल तक मिलेगी प्रोत्साहन राशि। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई 37.26 लाख टन धान की मिलिंग कराने में आ रही समस्या का रास्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने निकाल लिया। सीमावर्ती राज्यों के मिलर से भी मिलिंग कराई जाएगी। वहीं प्रदेश के मिलर को 50 से लेकर 200 रुपए तक प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि शर्तों के साथ दी जाएगी। आज से शताब्दी दौड़ेगी पटरी पर। कोरोना की दूसरी लहर की समाप्ति के साथ अब रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय पर दौड़ लगाएंगी। झांसी मंडल के पीआरओ मनोज सिंह के मुताबिक 17 जून से शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर सुबह 9:15 बजे ग्वालियर स्टेशन पहुंचेगी, जिसके बाद वो भोपाल के लिए रवाना होगी। वापसी में शाम के वक्त 7:55 पर ग्वालियर स्टेशन पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त अन्य ट्रेन का परिवहन जल्द ही शुरू किया जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम शिवराज। 21 जून से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान के मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मध्य प्रदेश में तीसरी लहर से निपटने से चल रहे उपायों पर चर्चा की। इसी के साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन को गति देने पर बात हुई। मध्य प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। एमपी में पेट्रोल डीजल की कीमत में लगी आग, वित्त मंत्री ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगी हुई है। लगातार कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। विपक्ष ने इसे लगातार मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बढ़ोतरी के लिए हालात को दोष दे रहे हैं। प्रदेश में आज पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 105 रुपए के करीब पहुंची तो डीजल 96 रुपए के पार हो गया। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 104.91 रुपए है, जबकि डीजल के दाम 96.10 रुपए हो चुके हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की परीक्षा 28 जून से 1.56 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। विक्रम विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 28 जून से शुरू होगी। इसमें 1,56,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए परीक्षा पिछले साल की तरह इस साल भी खुली किताब प्रणाली से होगी। यानी विद्यार्थियों को इंटरनेट से प्रश्न पत्र मिलेगा और कॉपी में उत्तर घर बैठ लिखने के लिए उनके पास 5 दिन का समय होगा। 6वें दिन उन्हें ये कॉपी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केंद्र पर जमा करानी होगी। इसका मूल्यांकन पहली बार विश्वविद्यालय की बजाय जिला स्तर पर अग्रणी महाविद्यालयों में किया जाएगा, ताकि परीक्षा परिणाम बिना कोई विलम्ब के जारी किया जा सके। एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट तैयार करने बन रहा ये फॉर्मूला। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला आज तक तैयार हो जाएगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम व 12वीं के रिवीजन और छमाही परीक्षा के आधार पर 12वीं का फॉर्मूला तैयार होगा, लेकिन इस आधार पर भी मूल्यांकन करना मुश्किल होगा। 10वीं में 6 विषय होते हैं और 12वीं में 12 से 15 विषय। ऐसे में 10वीं के प्रत्येक विषय के किस विषय की मैपिंग कर उसके अंक को 12वीं में जोड़ा जाए, इसका फॉर्मूला बनाया जा रहा है। 10वीं के सभी विषयों का 12वीं के विषयों से मैपिंग कर 60% से अधिक अंक लिए जाएंगे और 20% 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किए जाने की तैयारी है। राजधानी समेत प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना। शहडोल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। शहडोल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि झारखंड में कम दबाव का सिस्टम बना हुआ है, इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश की संभावना है। इसके चलते रीवा शहडोल संभाग के जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए झूठ के लिए नोबल। दिग्विजय सिंह का तंज, लोग करने लगे ट्रोल। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। दरअसल पीएम बनने से पहले मोदी ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को कमजोर बताते हुए इशारों में सोनिया गांधी पर निशाना साधा था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने कहा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आवंटित फंड का जो ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो स्मार्ट कहलाएगा। और इंदौर ने केंद्र से मिले 641 करोड़ की बजाय 700 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। शिक्षक भर्ती निरस्त कराने हाईकोर्ट में याचिका की तैयारी। अतिथि शिक्षकों को दी जा रही प्राथमिकता के खिलाफ मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका की तैयारी की जा रही है। आपत्ति करने वालों का तर्क है कि अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के नियम और नीतियां बार बार बदले गए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिस नीति का पालन किया जा रहा है उसमें विसंगति है। अब बिना टेस्ट के मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार जुटी हुई है। जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण स्लॉट को कम कर दिया। अब आवेदकों को ऑटोमेटेड ट्रैक पर टेस्टिंग की अनुमति दी गई है। एक अधिकारी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए प्रतिदिन 1000 स्लॉट दिए जाते हैं, अब इन्हें आधा कर दिया गया है। किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, डीएपी खाद की कीमत बढ़ते ही बढ़ जाएगी सब्सिडी। कोरोना की मार झेल रहे किसानों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने कहा कि देश के किसानों को डीएपी खाद अभी भी पुरानी कीमतों में मिलेगी। खाद की कीमतें बढ़ने पर सरकार सब्सिडी की मात्रा बढ़ा देगी, ताकि किसानों को खाद पुराने दाम पर ही मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। तीसरी लहर के पहले बच्चों की सुरक्षा के लिए अस्पतालों में करीब 1500 बेड किए गए आरक्षित। इंदौर में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आने के पहले शहर के अस्पतालों में बच्चों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए शहर के अस्पतालों में करीब 1500 बेड बच्चों के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। शहर के 4 सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड निर्धारित किए गए हैं। खुशखबरी, सरकार बेटियों की शादी पर दे रही 51,000 रुपए का तोहफा, जाने कैसे लें फायदा।
सरकार ने लड़कियों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं में पीएम शादी शगुन योजना भी शामिल है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। अल्पसंख्यक समुदाय में खास तौर पर मुस्लिम समाज में लड़कियों में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में पीएमएसएसवाई को देश के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। पीएम शादी शगुन योजना में शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों को मोदी सरकार 51,000 रुपए देती है। इस योजना का मकसद मुस्लिम लड़कियों और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि लड़कियां विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई पूरी कर सकें। कोविन पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, आप सीधे सेंटर पर जाकर लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। सरकार ने बदला नियम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सुविधा देते हुए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी शख्स अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और अपनी वैक्सीन लगवा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि कोरोना वैक्सीन देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण इलाके और शहरी स्लम्स इलाकों में जाएंगी और लोगों को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करेंगी। दक्षिण चीन सागर पर ड्रैगन के दावे का भारत ने किया विरोध, राजनाथ बोले कई देशों को चिंता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि आचार संहिता वार्ता से दक्षिण चीन सागर में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे क्योंकि वहां तनाव बढ़ गया है जिससे क्षेत्र और उससे आगे के सभी देशों को चिंता हो रही है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अबाध वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। सिंह हाल के हफ्तों में दक्षिण चीन सागर में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव का जिक्र कर रहे थे। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है जबकि अन्य देश भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं जिससे क्षेत्र में क्षेत्रीय विवाद पैदा होते हैं। आयकर विभाग की नई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आयकर रिटर्न, बैंक अकाउंट खोलने, बड़ी वित्तीय लेनदेन में काम आता है। कई लोगों का पैन कार्ड खो जाता है, ऐसे में उन्हें आगे से घबराने की जरूरत नहीं है। अब आयकर विभाग की नई वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर पैन नंबर याद नहीं है तो आधार कार्ड संख्या से ई पैन डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि सुविधा के लिए पैन का आधार से लिंक होना जरूरी है। मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर की बंपर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होगा आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार एमपी में मेडिकल ऑफिसर के कुल 576 पद भरे जाने हैं। इनमें से 144 वैकेंसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है जबकि 60 वैकेंसी ओबीसी, 58 ईडब्ल्यूएस, 72 एससी, 242 एसटी के लिए है। अभ्यर्थी मेडिकल ऑफिसर पद के लिए आवेदन mponline.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो मध्य प्रदेश में आज क्या है कोरोना की स्थिति। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां संक्रमितों का आंकड़ा 2 अंकों पर पहुंच गया। प्रदेश में कुल संक्रमित 224 आए जबकि 528 ठीक हुए हैं। पूरे प्रदेश में 3610 एक्टिव केस हैं, 15 जिलों में 0 केस आए और 34 जिलों में 6 से कम संक्रमित हैं। इनमें से 18 जिलों में 1-1 केस आए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।